पब्लिक के सर्वेंट है। आपने ऐसा माहौल वहां पैदा किया, वहां पर तनाव की स्थिति है। आपका कहने के बावजूद आपने कहा लोकेशन अंदर आया था, मैंने परमिशन दे दी। क्यों जी, बाकी पब्लिक क्या पब्लिक नहीं है क्या? आप ही सब कुछ है, कमाल करते हैं। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, वरना बहुत तनाव की स्थितियों में जिम्मेवार आप होंगे। ये आपको मैं बाहर नहीं करने जा रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है दलवीर जी, हल्के में मत लेना, फटाफट एक्शन लेना, उचित एक्शन लेना, वरना बहुत गंभीर परिणाम होंगे। तो वो लोग मेरे पास आए, तो मैं उन लोगों के पास गया, तो उन्होंने यही कहा जी हम लोग आवाज़ कम कर देते हैं अगर कोई इनको ऐसी परेशानी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति, मेरे को कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई संकोच भी नहीं है, वो अपना मानसिक संतुलन उसका स्थिर नहीं है। पानीपत के मालटाउन स्थित एक पार्क में चल रही धार्मिक कथा को लेकर तब विवाद गहरा गया जब वार्ड 20 से चुनाव लड़ चुके दो पार्षदों ने इसे अपनी साख का सवाल बना लिया। इतना ही नहीं, मामला तब और गर्मा गया जब एक पक्ष इस कथा में लगे लाउडस्पीकर का विरोध करने के लिए एसडीएम कार्यालय दलबीर सिंह के सामने अपनी शिकायत करने पहुंच गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र जुनेजा की, जिन्होंने एसडीएम ऑफिस जाकर पार्क में हो रही कथा को लेकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्चों की परीक्षाओं का समय चल रहा है, जिसको लेकर लगातार लाउडस्पीकर से आवाज़ आने के चलते बच्चों की परीक्षाओं की तैयारियों में बाधा लाउडस्पीकर बने हुए हैं, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए या फिर किसी धर्मशाला या मंदिर में इस कथा का आयोजन हो। इस सारे मामले पर जितेंद्र जुनेजा ने वर्तमान पार्षद लोकेश नागरू को दोषी ठहराया और कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लोगों को पार्षद लड़वाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी देर तक एसडीएम दफ्तर में हंगामा चलता रहा। पुलिस ने भी इनको रिपोर्ट कर दी है कल की कि जी यहाँ पर तनाव की स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। उसके बावजूद एसडीएम साहब ने इनको कहा कि मुझे कहते हो जी तुम्हारा राजनीतिक मामला है, लोकेश नागरू परमिशन ले गया, वो कहता है जी मेरी मूंछ का सवाल है, मेरे को परमिशन दे दो। अरे भैया राजनीति कर रहे हो आप बच्चों की पढ़ाई के साथ? अरे राजनीति करनी वैसे करो, बच्चों की पढ़ाई से राजनीति नहीं होती है। तो इस वे में ज़्यादा ना बोलते हुए, जिनको सत्संग करना है मंदिरों में जाके कर सकते हैं, धर्मशाला में कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर जब वार्ड 20 के पार्षद लोकेश नागरू से इसकी प्रतिक्रिया ली तो लोकेश नागरू का कहना है कि उनके ऊपर लगे सारे व्यक्तिगत आरोप निराधार हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा कि धार्मिक कथा को लेकर कुछ महिलाएं उनके पास आई थी, जिसको लेकर यहाँ पर हर साल की तरह अब की बार भी कथा करवाई जा रही है। जितेंद्र जुनेजा के आरोपों पर उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको लोकेश नागरू से ही सुनाते हैं। बोलनी नहीं चाहिए थी, कर करा के वो आज फिर एसडीएम के पास गए। एसडीएम साहब को भी उसने कहा कि आपने उसको एनओसी क्यों दे दी। अरे भाई एनओसी दी है तो वो लोग तो पता नहीं कितने कितने क्लब चला रहे हैं, कितने कितने डीजे चला रहे हैं। एक धार्मिक कार्य के लिए अगर आप उसको ऑब्जेक्शन करते हो तो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और मैं बिल्कुल उस संगठन के साथ खड़ा हूँ, उन महिलाओं को के साथ, उन माताओं के साथ खड़ा हूँ। इस प्रकार का कोई भी गलत काम वहाँ पे नहीं होगा। अगर इसको वो राजनीति समझते हैं तो बेशक समझे, ये सोच का विषय है, मेरी इस प्रकार की सोच नहीं है। मेरे वार्ड में तो किसी प्रकार का भी कोई सुख होगा दुख होगा मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। वहीं उनके ऊपर लगे आरोप पर बोलते हुए लोकेश नागरू ने कहा कि राजू जुनेजा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वह महिलाओं को पहले भी बुरा भला कह चुके हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई संकोच भी नहीं है, वो अपना मानसिक संतुलन उसका स्थिर नहीं है। इस पूरे मामले को यदि जोड़कर देखा जाए तो यह नहीं लगता कि यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही है पूरी या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।